अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज थोड़ा हमारा जो कवर करने वाला कोर्स है वो थोड़ा ज्यादा है, सो प्लीज फोकस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो इन्फेक्शंस के बारे में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों का आवाज सही से आ रही है? यस सर। यस ओके बेटा। तो जहां तक बात है इन्फेक्शंस के फैलने की, पहली बात तो ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शंस पहुंचते कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसमें समझने वाली है वो ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई लिम्फैटिक्स नहीं होते, कोई लिम्फ नोड्स वगैरह या लिम्फैटिक वेसल्स नहीं होती। तो लिम्फैटिक चैनल के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं जाता। हाँ, ब्लड के थ्रू जाता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, विच इज हेमाटोजेनस स्प्रेड। हेमाटो जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब ब्लड। ट्रॉमा मतलब कोई चोट लगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, बैक्टीरिया वायरसेस के साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन अप हुई तो वहां से जा सकता है। कोई लोकल स्प्रेड हुआ पैरानिजल साइनस से, डेंटल इन्फेक्शन दांतों से या कहीं और से, साइनस वगैरह से, जहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है। जैसे कि आपको थर्ड सेमेस्टर की एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा कि हाउ द साइनस इज एक्चुअली कम्युनिकेट विद द स्कल कैविटी। स्कल का हिस्सा ही होते हैं वो। और इस तरह से फिर वहाँ से जो इन्फेक्शन है, मैक्सिलरी साइनस हो गया, एस्माइड साइनस हो गया, और स्फीनॉइड साइनस, वहाँ से ये फिर इन्फेक्शन जो चेहरे के इन्फेक्शन है या गर्दन के आसपास के इन्फेक्शन है, दांतों के इन्फेक्शन है, वो लोकली सीएनएस के अंदर जा सकते हैं और पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू भी ट्रैवल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। वन ऑफ द टू मोस्ट, बल्कि टू मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन आर मेनिनजाइटिस एंड इंसेफलाइटिस। मेनिनजाइटिस का मतलब है मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन, विच आर द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन। और इंसेफलाइटिस का मतलब है ब्रेन पैरेन्काइमा, यानी जो ब्रेन टिश्यू है इटसेल्फ उसका इन्फ्लेमेशन। मेनिंजियो इंसेफलाइटिस में दोनों की इन्फ्लेमेशन होती है। अब मेनिनजाइटिस के आगे मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक एसेप्टिक मेनिनजाइटिस है। एसेप्टिक मेनिनजाइटिस का मतलब ये है कि जब आप उसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टैप करके देखोगे, लंबर पंक्चर में उसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालोगे, तो उसके अंदर आपको बैक्टीरिया का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। तो अक्सर एसेप्टिक मेनिनजाइटिस वगैरह जो है वो वायरल मेनिनजाइटिस होते हैं, वायरल डिजीज होती है, क्योंकि वायरस उनमें नजर नहीं आ रहा होता। बट एसेप्टिक का मतलब है विदाउट एनी बैक्टीरिया विजिबल इन, या बैक्टीरिया फाउंड इन द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये मेनिनजाइटिस के ऊपर से। हम सबसे पहले देख लेते हैं मेनिंजेस। आपको पता है सबसे बाहर ड्यूरा होती है, फिर एरेक्नॉइड होती है और फिर पायामेटर होती है। इन तीनों की इन्फ्लेमेशन या इनमें से किसी की इन्फ्लेमेशन जो है मेनिनजाइटिस है। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? कहीं भी इन्फेक्शन होना शुरू हो तो सबसे पहले फीवर आएगा, ठीक है? आपका आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको फॉरन से एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ठीक है? वो एंटीबायोटिक देने से पहले डॉक्टरों को कम से कम इतना जरूर देख लेना चाहिए कि फीवर है या नहीं है, क्योंकि फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। समटाइम्स देयर इज नो फीवर, तब भी एंटीबायोटिक्स सही होती है। लेकिन जितना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आप लोगों को एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है उतना फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं होती। आने वाले जमाने में 20-30 ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रॉबली 2050-20 भी नहीं, अब तो 18-19 साल रह गए, 2050 तक सुनने में आ रहा है कि सबसे बड़ा जो डिजीज बर्डन होगा वो इस वजह से होगा क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है। मतलब लोग इतनी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कि जब इन्फेक्शन एक्चुअली होता है तो बैक्टीरिया पहले से उसको रेजिस्ट करना सीख चुका होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो आने वाले जमाने की बीमारियां एंटीबायोटिक्स की यूजलेस होने की वजह से होना शुरू होने वाली हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान से एंटीबायोटिक्स दी जाए। अगेन, फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। फिर उसके बाद आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाता है, इरिटेबल होता है बंदा, बेचैन होता है, और जो धूप है या जो तेज रोशनी है उससे दर्द होती है या डर लगता है, बंदा उससे दूर जाता है, ठीक है? फिर वॉमिटिंग, भूख नहीं लगती, कभी कभार फिट्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके जो फॉन्टेनेल्स होते हैं, जो उनके स्कल के अंदर जहाँ पे सूचर्स अभी मिले नहीं होते, वो थोड़ा फूलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन हेडेक, और उसके साथ नेक की स्टिफनेस, न्यूट्रल रिजिडिटी इज नेक स्टिफनेस। और फिर इसके बाद एक और साइंस होता है मेनिंजिस्मस, वो स्टिफ नेक को ही कहते हैं, लेकिन उसके अंदर हम मुख्तलिफ
टेस्ट करके देखते हैं, तो उसमें कर्निंग साइन और बर्डजिंकी साइन, उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये बेबीज और एडल्ट्स के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा फर्क बताया हुआ है कि बेबीज में जो है वो बड़ी जल्दी इनको फिट्स पड़ना शुरू रहते हैं, बड़ों को भी पड़ते हैं, लेकिन रैश वगैरह भी इसके अलावा हो सकता है इंसान को। तो मेनिंजियल इरिटेशन के क्या साइन है, यानी कि जो मेनिंजेस इरिटेट होती हैं, जब वो मेनिंजेस जो उसकी कवरिंग है ब्रेन की, जब उनको कोई चीज आके तंग करती है, तो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंस इन इट, एक कर्निंग साइन है और एक ब्रिडजिंस्की साइन है। जो कर्निंग साइन है उसमें क्या होता है, आप बंदे को लिटाते हैं और उसकी हिप जो है वो हिप और नी दोनों फ्लेक्स करते हैं, तो जब आप उसका नी थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो वो नी एक्सटेंड नहीं हो पाता 135 डिग्री से, ठीक है। जो ब्रिडजिंस्की साइन है उसमें क्या होता है कि बंदे को सीधा लिटाओ, अगर उसकी गर्दन आप उसको उठा के उसकी बॉडी की तरफ करो तो उसकी जो निचले वाला जिस्म है वो भी फौरन ऊपर उठ जाता है, यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज भी फ्लेक्स करती हैं, ठीक है। सो मतलब ये कुछ साइंस हैं। जो आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प करती हैं और ये बता सकती हैं कि मेनिंजियल इरिटेशन हो रही है, ठीक है। जब वो मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे मेनिंजिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है गर्दन के लेवल पे, तो वो उसको इतना ज्यादा फील होता है, इतनी ज्यादा उसको पेन या इरिटेशन होती है कि फौरन टांगे भी अपनी फ्लेक्स कर लेता है, ठीक है। ब्रिडजिंस की साइन में ये होता है। जो कर्निंग साइन है उसके अंदर हिप और नी फ्लेक्स की जाए तो जो दूसरा नी है, जो दूसरा नी है वो एक्सटेंड नहीं हो सकेगा 135 डिग्री से ऊपर, ठीक है। ये तीन ट्रायड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर। एक तो मेंटल स्टेटस चेंज होता है, मेंटल स्टेटस चेंज जहाँ पे भी आप देखो या ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखो, तो उसका मतलब होगा कि थोड़ा थोड़ा वो ड्राउजी सा होगा क्योंकि ब्रेन पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, और इसके अलावा नेक उसकी स्टिफ होगी और उसके साथ में फीवर होगा। अगेन ब्रिडजिंस की साइन आपको बताया, ऐसे करेंगे तो अगर गर्दन ऊपर उठाएंगे तो टांगे भी ऊपर उठेंगी, ठीक है। कर्निंग साइन में अगर आप हिप को फ्लेक्स कर रहे हो और फिर सीधा करने की कोशिश कर रहे हो तो सीधा नहीं होगा उससे। अच्छा, लंबर पंक्चर क्या होता है बेटा, L4-L5 के लेवल पे आप एक सिरिंज अंदर डालते हैं L4-L5 वर्टिब्रा के लेवल पे और वहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आप लैब में जाके देखते हैं कि उसके क्या सिम्टम्स है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन के साइन है तो उसकी जो कंपोजिशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज होगी। अच्छा, कब नहीं करना लंबर पंक्चर, जब इंसान को कोई सांस लेने के मसले हो या उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ हो किसी भी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, वैसे हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, या जहाँ पे आपने उसका सिरिंज डालनी है जहाँ से निकालना है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हो, सेलुलाइटिस हुआ हो स्किन की, या कोई और बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि आप सिरिंज डाल तो दोगे लेकिन क्लॉटिंग उसकी होगी नहीं तो ब्लीड करता ही रहेगा, तो उस वक्त आपने लंबर पंक्चर नहीं करना। लेकिन इसके अलावा आपने डायग्नोसिस में लंबर पंक्चर करके सीएसएफ फ्लूइड निकाल के देखना है। तो नॉर्मली क्या कुछ होता है जो हम सीएसएफ के अंदर देखते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, वो तीन चीजें देखते हैं, एक ग्लूकोज देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं और सेल्स देखते हैं। जो अच्छा, अब मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस आपको बता रहा हूँ, एक एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, एक वायरल मेनिंजाइटिस है, एक ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, मतलब कुछ मेनिंजल इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, कुछ वायरस की वजह से हो रही है, कुछ टीबी की वजह से हो रही है, कुछ फंजाई की वजह से हो रही है, कुछ और रीजंस की वजह से हो रही है, उसको और तरह से क्लासिफाई करते हैं। उसके अंदर ग्लूकोज प्रोटीन और सेल्स की जितनी भी वो है ना जो नॉर्मल कंपोजिशन है उससे हटके होगा, ठीक है। इस स्लाइड को कर लो या इस स्लाइड को कर लो कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप इस स्लाइड को ज्यादा फोकस करो क्योंकि इसके अंदर जो है लो हाई की जगह एक पूरा नंबर बताया हुआ है। आई वुड प्रेफर कि तुम इस स्लाइड को कर लो क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं तकरीबन, नॉर्मल कितना होता है। दूसरी बात जो अच्छी चीज़ है वो इस स्लाइड में नॉर्मल वाला भी बताया हुआ है, इसमें नॉर्मल नहीं बताया हुआ। सो नॉर्मल WBCs कितने होते हैं, सेल्स कितने होते हैं CSF में, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, 5 के अंदर अंदर। ग्लूकोज कितनी होती है, 40 to 70। प्रोटीन जो है वो लेस देन 40 mg/dL होती है। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना जब, तो उसके जो WBC काउंट होता है ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो WBC ज्यादा हो जाएंगे, 1000 से ऊपर चला जाता है पर माइक्रोलीटर। ग्लूकोज 40 से नीचे होती है, प्रोटीन जो है वो बहुत हाई हो जाती है 250 से ऊपर। टीबी वाला मेनिंजाइटिस है वो टीबी फैल के ब्रेन की मेनिंजेस को जाके इन्फ्लेम कर दे तो उसमें 5 to 1000 WBC काउंट, ग्लूकोज और कम और प्रोटीन उतनी ज्यादा,
वायरल मेनिनजाइटिस में 100 टू 1000 WBCs, ग्लूकोज उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल होती है, और प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है लेकिन 100 से कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस में होती है। एक और सिंड्रोम है ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ज्ञान बागे सिंड्रोम जो है, इसमें 0 to 5 WBCs वो सेम रहते हैं क्योंकि ऑटो इम्यून है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं हो रही, बॉडी के सेल्स में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ग्लूकोज भी सेम रहती है, जो प्रोटीन है वो बहुत हाई हो जाती है, 45 to 1000 तक चली जाती है। ठीक है, सो ये आप चीजें इसके अंदर से याद कर लीजिएगा। ये अगर आपको मैं मिसाल के तौर पर सिनेरियो देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको ये क्या उसे कहते हैं इसकी बताता हूँ वैल्यूज, तो उस वैल्यू से आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। जो छोटे बच्चे होते हैं, सबसे छोटे 3 से 8 महीने तक के, उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और आधे से ज्यादा केसेस जो है वो उन बच्चों में होते हैं जो 5 साल से छोटे हैं। अच्छा, कौन से बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस कर सकते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई करते हैं, उसके अलावा ई कोलाई करते हैं, एंटेरोकोकाई, क्लेब्सियला, एंटेरोबैक्टर, साल्मोनेला, सेरेशिया, लिस्टीरिया, ये मुख्तलिफ वायरसेस के नाम है जो बच्चों में मुख्तलिफ बैक्टीरिया के नाम है जो बच्चों में मेनिनजाइटिस कर सकते हैं। जो थोड़े बड़े होते हैं उनमें नीज़ीरिया मेनिनजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको थोड़ा सा और आपके इस टेबल में दिखाया हुआ बात वही है। अच्छा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस में क्लिनिकल कोर्स यानी कि साइंस सिम्टम्स प्रेजेंटेशन कैसी होती है? फीवर के साथ आएगा, थकन के साथ आएगा, वॉमिटिंग के साथ आएगा, ड्राउजी सा होगा, शॉक होगा यानी ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा, और DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, रैश होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में मुख्तलि जगह हल्के हल्के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, जो हाइपर जो ब्लड है उसकी कोएगुलेशन ज्यादा हो जाएगी और उसको ज्यादा प्लेटलेट्स उसमें ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और इसके अलावा ब्रेन में एडिमा होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन ब्रेन की हो रही है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन के साइंस में आपने एक साइन एडिमा पढ़ा था तो वो भी होगा। फिर इसके अलावा इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज्यादा होगा, जब ब्रेन में एडिमा हो रहा है, ब्रेन में फ्लूइड आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो वहाँ का प्रेशर है ब्रेन का वो क्रेनियम का वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो किस तरह नजर आएगा? एक तो पेपिलोडीमा होगा। पेपिलोडीमा क्या होता है? जब आप देखते हैं आईज को फंडोस्कोपी करके, अगर कभी आप किसी आई डॉक्टर के पास गए हो तो एक लाइट डाल के आपकी आंख में देखता है पीछे तक, तो उसके अंदर जो एरिया वो एडिमिटस होगा। फंडोस्कोपी पे आपको नजर आ जाएगा कि आई का हिस्सा जो रेटिना का कुछ हिस्सा है वो एडिमिटस है। फिर इसके अलावा प्यूपिल्स में चेंजेस आएंगी। फिर उसके अलावा कुशिंग स्ट्राइड क्या होता है? एक ब्रैडीकार्डिया होता है, यानी आपका ब्लड प्रेशर आपका जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, और रेस्पिरेटरी रेट आपका इरेगुलर हो जाता है। ये तीनों चीजें जब हो तो उसको कुशिंग स्ट्राइड कहते हैं। दीज आर साइंस ऑफ रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम है वो आपकी रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर रही होती है, तो जब उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है तो फिर ये चीजें भी जब ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये चीजें भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। सो रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के भी साइंस सिम्टम्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आएंगे मेनिनजाइटिस के अंदर। फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है? बच्चों में 14 से 21 दिन के अंदर अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स है जो देने से ठीक हो जाता है। ग्राम नेगेटिव मेनिनजाइटिस हो, अगर ये ग्राम नेगेटिव स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है वो 21 दिन तक ठीक होते हैं। अगर निम्यूकोकल वाला हो, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो, जो कि आमतौर पर निमोनिया भी करते हैं ये बैक्टीरिया, तो ये 10 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। अगर मेनिंजोकोकाई होते हैं तो ये सबसे जल्दी 7 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। इनका काम ही सिर्फ मेनिनजाइटिस करवाना है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? अब यहाँ पे आपका फार्माकोलॉजी का नॉलेज थोड़ा सा छेड़ा जाएगा, खासतौर पे कीमोथेरेपी यानी कि एंटीबायोटिक्स वाला नॉलेज। जो 3 महीने से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आप सिफ्ट्राएक्सोन यानी कि सेफ्लोस्पोरिन और एम्पिसिलिन दे दें, पेनिसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन। एम्पिसिलिन लिस्टीरिया को कवर करती है, सिफ्ट्राएक्सोन बाकी इनको कवर कर लेगी बैक्टीरिया को। इसकी फायदा ये होता है कि एमिनोग्लाइकोसाइड से कम टॉक्सिक होती है, इनके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते, और आपने बार बार ब्लड ब्लड चेक करके इनका लेवल नहीं देखना होता, और इनका GI के नॉर्मल बैक्टीरिया पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, अगर आप मेनिनजाइटिस को टाइम पे ट्रीट ना करें तो क्या होगा? एक तो हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। हाइड्रोसेफलस आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो CSF जब ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, स्वोलन होना शुरू हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है पानी,
तो वो हाइड्रोसेफलस होता है। और इसके अलावा सबड्यूरल इफ्यूजन एंड एम्फाइमा, यानी कि वहां पे ड्यूरामेट्रस से नीचे करके शुरू हो जाती है। फिर जब ये चीजें सही तरह से रिजॉल्व नहीं होगी तो जिस जगह पे ब्रेन की इंपैक्ट हो रहा होगा और वो जगह डैमेज होना शुरू हो जाएगी, वहां पे स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एब्सेस, ठीक है, ऑब्वियसली जब पस जमा होगी, बैक्टीरिया वहां पे मौजूद है तो वहां पे एब्सेस बन जाएगी। फिर ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आपको पता है ब्रेन में ड्यूरल वेनस साइनसिस का एक पूरा सिस्टम होता है, सिग्मॉइड साइनस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसिस, जो सारे साइनसिस आ रहे होते हैं जो ब्रेन की वेनस ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जो जो वो जो साइनसिस होते हैं वो इन्फ्लेम हो सकते हैं, जिसे ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो सबअरेक्नॉइड स्पेस है वो स्कार्ड हो जाता है, सबअरेक्नॉइड स्पेस में इवेंचुअली सीएसएफ के अंदर अपना रोल प्ले करना होता है, तो इसकी वजह से और सीएसएफ फ्लूइड जो जमा होना शुरू हो जाता है। और लेप्टोमेनिंजियल वेन्युलाइटिस, इसमें क्या होता है कि जो लेप्टोमेनिंजेस हैं, ये मेनिंजेस मेनिंजेस को ही कहते हैं एक तरह से, उनके दो हिस्सों को, उसमें जब जब वो मेनिंजेस और उसके साथ की वेन्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो वहां पे वेन्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से फिर ब्लड वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से इवेंचुअली ब्लीडिंग होती है, और उसकी वजह से वहां पे इन्फार्क्शन हो जाती है, जैसे कि आपने इस्कीमिक स्ट्रोक के एक टाइप में पढ़ा था, एक काइंड ऑफ स्ट्रोक हो जाता है। एब्सेस की बात ऑलरेडी हो चुकी हुई है। क्या प्रोग्नोसिस है, मतलब डिजीज इवेंचुअली ठीक होता है कि नहीं होता? जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनके अंदर 20% की डेथ हो जाती है, बड़ों में 10% तक ठीक हो जाते हैं, 33% जब आप उनको डिस्चार्ज कर रहे होगे तो उस टाइम पे उनके कोई ना कोई सिम्टम होगा, न्यूरोलॉजिक, मतलब कोई फोकल सिम्टम होगा, मतलब कोई वीकनेस हुई होगी किसी लिम में, या सेंसेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो जिस जगह का ब्रेन डैमेज हुआ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल बाद तक भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज इसमें से रहती हैं, और कुछ लोगों में इवन हियरिंग लॉस भी हो जाता है, क्योंकि वोवली क्रेनियल नर्व्स डैमेज हो जाए तो 22 से 29% लोगों में हियरिंग लॉस भी हो जाता है। बच्चों में आपको बताया है कि ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं मेनिंजाइटिस, और इसको इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज है जो आपने इसमें समझने वाली है वो ये है कि मेनिंजाइटिस और मेनिंजोकोक्सीमिया में क्या फर्क है। मेनिंजाइटिस बेसिकली ब्रेन की मेनिंजेस या स्पाइनल कॉर्ड की जो आगे मेनिंजेस है उनका इन्फ्लेमेशन है। जो मेनिंजोकोक्सीमिया है वो इस वक्त वो ये चीज है कि होता तो इसी इन्हीं बैक्टीरिया से है, लेकिन शुरू में मेनिंजाइटिस होता है, फिर उसके बाद वो पूरे का पूरा ब्लड में फैल जाता है। इन्फेक्शन होता है ना, जब फैल जाए जिसे कहते हैं ब्लड में फैलना, उसे मेनिंजोकोक्सीमिया कहते हैं। जिस भी वर्ड के आगे एंड पे ईमिया आ जाए उसका मतलब है ब्लड में कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस में तो हेड एक, स्टिफ नेक, और मतलब उससे फीवर से पता चल रहा है आपको कि मेनिंजाइटिस हो रहा है। ठीक है, मेनिंजोकोक्सीमिया में जो बैक्टीरिया है वो मेनिंजिस से आगे निकल के नोज और थ्रोट तक चला गया है, फिर वहां से फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो फिर बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर रैश नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब रैश हो जाए तो इसका मतलब है कि जो मेनिंजाइटिस है वो फैल गया हुआ है। सो मेनिंजोकोक्सीमिया का और मेनिंजाइटिस के फर्क क्या है? एक तो फोटोफोबिया होता है मेनिंजाइटिस में, मेनिंजोकोक्सीमिया में रैश होता है पर्पल से रंग का, मेनिंजाइटिस में झटके लग सकते हैं, उसमें ठंडे हाथ हो जाते हैं मेनिंजोकोक्सीमिया में, ब्रेथलेसनेस होती है मेनिंजोकोक्सीमिया में, मेनिंजाइटिस में हेडेक होती है, मेनिंजोकोक्सीमिया में पूरे ज्वाइंट में, मसल्स में, लिम्स में पेन होती है, और मेनिंजाइटिस में जो है वो नेक्स्ट स्टेप होना शुरू हो जाती है। दोनों में जो चीजें सेम होती हैं वो ड्राउजी सा होता है बंदा, स्लीपी स्लीपी सा होता है, या जिसे ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, हाई फीवर होगा, कंफ्यूज होगा और वॉमिटिंग कर रहा होगा। अब हम आ जाते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के ऊपर। वायरल मेनिंजाइटिस गर्मियों में और ऑटम सीजन में ज्यादा होता है, हेडेक इसमें बहुत ज्यादा होती है, वॉमिटिंग भी होती है, फीवर भी होती है, बाकी सारी वही फाइंडिंग है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीएसएफ की फाइंडिंग्स आपको उस टेबल में बता दी, उस टेबल को बहुत अच्छी तरह कर लेगा। अच्छा, वायरल और बैक्टीरियल में फर्क क्या है? फर्क ज्यादातर रैश का है, एक तो रैश नहीं है, झटके कम लगते हैं, सीजर्स का फर्क है, और पेशेंट जो है वो इतना बुरा उस पर इम्पैक्ट नहीं होता कि कोमा में चले जाए आसानी से, जो वायरल मेनिंजाइटिस है। वायरल मेनिंजाइटिस कौन कौन से वायरसेस करते हैं? एक तो एंटायरो वायरस है सबसे ज्यादा जो वायरल मेनिंजाइटिस करता है, अगेन स्प्रिंग और समर में होता है, ये वायरस फैलता ओरल फीकल रूट के थ्रू है, शुरू में जीआई सिम्टम्स होते हैं क्योंकि इट इज बेसिकली एंटायरो वायरस, जीआई ट्रैक का वायरस है, फिर 10 दिन बाद तक जाके मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जब वो पहुंच जाता है ब्रेन में। इसके अलावा और भी वायरसेस हैं, मम्स वायरस है, एचआईवी वायरस है, कोरियो मेनिंजाइटिस, लिम्फोसाइटिक कोरियो मेनिंजाइटिस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 है, ये सारे के सारे वायरसेस जो है
वायरल मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। जब भी वायरल मेनिंजाइटिस हो तो ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? एंटीबायोटिक कोई नहीं देनी। आपको पता है वायरसेस में अभी कोविड का इन्फेक्शन चल रहा है, एंटीबायोटिक्स जो कोविड में भी दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि जो कोविड की वजह से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसका हल हो, लेकिन वायरल इन्फेक्शन इटसेल्फ का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है, वो खुद ही थोड़ी देर बाद खत्म होता है तो होता है। पेन किलर्स दें पेन को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को कंट्रोल करें, पैनाडोल वगैरह दें, और लंबर पंक्चर जब आप करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस में तो उसके बाद अक्सर पेशेंट जो बेहतर महसूस करता है, ठीक है। लंबर पंक्चर में आप CSF निकाल के देखते हैं। ज्यादा इसको बाकी लोगों से अलग रखने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन बाकी प्रिकॉशन देने जरूरी है। अच्छा, वायरल मेनिंजाइटिस का अंजाम जो है वो उतना बुरा नहीं होता जितना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का होता है, लेकिन अगर बच्चों को हो जाए तो उनकी जो नॉर्मल माइलस्टोन्स रीच करने की एज है, मिसाल के तौर पर जब उन्हें बोलना था, जब उन्होंने लिखना था, समझना था बातचीत को, वो थोड़ा डिले हो जाता है। अच्छा, मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस की और अगर हम देखें, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 भी उसका वायरस पास कर सकते हैं, रेबीज भी कर सकता है। जब रेबीज की वजह से मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस होगा तो एक आपको ये पैथोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज का पार्ट है कि नेगरी बॉडीज नजर आएंगी हिप्पोकैम्पस में, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ पे मेमरीज होती हैं, और सेरिबेलम के सेल्स में। सो हिप्पोकैम्पस में और सेरिबेलम की परकिंजी सेल्स एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर निगरी बॉडीज होती हैं। वो क्या होती हैं? वो उन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई एक रेडिश सा मटेरियल होता है, इयोसिनोफिल और हिमाटोक्सिलिन अगर आपने पढ़ा हो हिस्टोलॉजी में, तो इयोसिनोफिलिक जब इंट्रासाइटोप्लाज्म इंक्लूड्स रेडिश रेडिश माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे चीजें नजर आती हैं सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम के, ठीक है। तो उसका मतलब है कि रेबीज जो है वो ये मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी मेनिन्जियल इंसेफ्लाइटिस की। अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ इन्फेक्शन की, जो कि इवन कई दफा कॉम्प्लिकेशन भी होती है इवन इंसेफ्लाइटिस और मेनिन्जाइटिस की, ब्रेन एब्सेस। एब्सेस का मतलब क्या होता है? एक बॉल ऑफ पस, ठीक है, वेल एनक्लोज बॉल ऑफ पस। उसके अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ चीजें। सबसे पहले तो हम कॉज देखते हैं, कोई भी इन्फेक्शन अगर फैल जाए, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ जाए, फ्रंटल लोब से आए, टेम्पोरल लोब से आए, मिडल ईयर से आए, मैस्टॉइड बॉडी के पास से आए, वहां से इन्फेक्शन फैल फैल के अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो वो एब्सेस कर देगा वहां पे। फिर ऑब्वियसली हिमाटोजन स्प्रेड कहीं और दूर इन्फेक्शन हो रहा है और ब्लड के थ्रू पहुंचता है वहां तक आया है, ज्यादातर फ्रंटल और पैरेटल लोब में आएगा, या कोई ट्रॉमा है। ये सारी चीजें अभी हमने मेनिंजाइटिस के अंदर भी की है, या बेसल स्कल फ्रैक्चर हो रहा है जिसकी वजह से CSF लीक कर रही है, ठीक है, या कभी पहले ब्रेन की सर्जरी हुई है, क्रेनियोटमी हुई है, यानी कि ब्रेन के अंदर होल किया उन्होंने, तो वहां पे चूंकि सर्जरी के टाइम में आपका चांस होता है कि अगर आप एसेप्टिक मेजर सही तरह से मेंटेन ना करें या करें भी तो तब भी कई दफा इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, ठीक है। और वो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो, यानी कि HIV वगैरह हो, तो उसको तो ऑब्वियसली ज्यादा इन्फेक्शन होंगे ही होंगे। अच्छा, अब कौन से बैक्टीरिया इसके अंदर ज्यादा कॉज करते हैं एब्सेस? एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है, जो डेंटल इन्फेक्शन के थ्रू अगर फैले या ऑटोजेनिक यानी कि ब्रेन सॉरी ईयर के इन्फेक्शन के थ्रू फैले तो वो एनएरोबिक बैक्टीरिया करेंगे, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स करेंगे। अगर साइनसाइटिस के थ्रू फैले, साइनसिस इन्फ्लेम्ड हो रहे हो, तो स्टेफलोकोकस ऑरियस या एरोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई करेंगे। इसके अलावा इम्यून डेफिशिएंसी वाले लोगों में फंगाई करते हैं, एड्स में एक पैरासाइट करता है जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और आपको अक्सर कल्चर करके देखो तो वो नेगेटिव होता है। कल्चर का मतलब क्या होता है कि एक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ब्लड में या कहीं पर भी, वो एक खास किस्म की चीज़ उनको मिले तो उसमें ग्रो करते हैं। सो जब ब्लड निकाल के उसके अंदर उनको उस तरह की ग्रो करने की एनवायरनमेंट देते हैं तो कुछ ग्रो करते हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो जब वो ग्रो करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, लेकिन कई दफ़ा वो ग्रो नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया नहीं है, कोई और वायरस वगैरह है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया कल्चर में ग्रो करे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नहीं करते। बाहर आ रही है माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज है सारे का सारा, अभी हमने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो इसलिए इसके ऊपर भी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये याद रखिए कि जब कल्चर करके देखते हैं बैक्टीरिया ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं ब्लड टेस्ट करके, तो 30% लोगों में कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता। इसका मतलब है या तो वो बैक्टीरिया है जो कल्चर वाला नहीं है, या वो फंगस है, या वो पैरासाइट वगैरह है। अच्छा, अब ब्रेन एब्सेस कैसे होती है? पहले तो जहाँ पे बॉडी फाइट करने की कोशिश करी है वहां पे एक तो नेक्रोसिस हो जाएगा और नेक्रोसिस के अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो नेक्रोसिस के अंदर जब बैक्टीरिया आते हैं तो चार स्टेजेस के अंदर वो एब्सेस बनाते हैं। सबसे पहले 3 दिन के अंदर वहां पे नेक्रोटिक टिश्यू, लोकल इन्फ्लेमेशन और एडिमा होता है, और इसके अंदर अभी कोई फर्क नहीं होता बाकी ब्रेन और लियन के अंदर, कोई डिमार्केशन, कोई एक लेयर नहीं होती उसके अंदर, इसको अर्ली सेरेब्राइटिस कहते हैं।
फिर लेट सेरेब्राइटिस जो अगले 10 दिन तक जो होना है, 4 से 10 दिन तक, उसके अंदर एडिमा ज्यादा हो जाता है और पस आने शुरू हो जाती है। फिर जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर उसके कैप्सूल बनना शुरू होता है अगले 3 दिन, और वो फिर जो कैप्सूल होता है वो इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम से कम लिमिट कर देता है। और फिर उसके बाद लेट कैप्सूल स्टेज है जो डे 14 ऑनवर्ड्स होती है। ठीक है, अगर आप देखें ये यहाँ पे पस का फील्ड एक एरिया है ब्रेन के अंदर जिस कैप्सुलेटेड है। एब्सेस के अंदर हमेशा ये होता है कि एब्सेस के इर्द गिर्द कैप्सूल होता है, उसका फायदा ये होता है कि वो बाकी जगह पे पूरी पस फैलती नहीं है। ठीक है, अगेन आपको एक बार क्रॉस सेक्शन में दिखा रहे हैं कि एब्सेस कैसी नजर आ रही है अगेन। ठीक है, ये कैप्सूल उसके इर्द गिर्द का बना हुआ है। अच्छा, क्लिनिकली क्या पेशेंट कहता है? एक तो ये कि वो पेशेंट होते हैं जो 20 ईयर्स ऑफ लाइफ तक हो, ज्यादातर उस वक्त उनको ब्रेन एब्सेस होती है, मर्दों में ज्यादा होती है और इम्यून स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है कि सर बड़ा हो जाता है, फोंटेनल्स अगेन बल्ज करना शुरू कर देते हैं, क्रेनियल सूचर खुलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अभी क्रेनियल सूचर उनके पूरे सही तरह से बंद ही नहीं हुए होते। वॉमिटिंग, फिट्स और इरिटेबिलिटी होती है, रेज्ड इंटरक्रेनियल प्रेशर और पेपिलरी एडिमा वगैरह के उनके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एडिमा नजर आ रहा है, सेरिब्रल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और हेडेक होगी और ड्राउजीनेस होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का क्या मतलब है बेटा? जब भी आप वर्ड पढ़ते हो फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज, FND यहाँ पे उसको लिखा है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज या फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि ब्रेन के जिस हिस्से पे फोकस कर रहा है एब्सेस, यानी कि जिस हिस्से पे एब्सेस है और ब्रेन का वो हिस्सा जो चीज कंट्रोल करता है उस फोकस्ड एरिया के सिम्टम्स होंगे फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। मिसाल के तौर पे पैराइटल लोब पे अगर एब्सेस आती है तो हादी साइड का फालिज हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो मोटर मसल्स का कंट्रोल होता है। टेम्पोरल लोब पे अगर होगा तो टेम्पोरल लोब जो है वो स्पीच से रिलेटेड वहां पे इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्रेन का, तो डिस्फेजिया होगा, स्पीच प्रॉब्लम होंगे। सेरिबेलम का रोल क्या उसे कहते हैं, बैलेंस मेंटेन करने में होता है, तो अटैक्सिया होगा, निस्टैग्मस होगा। ठीक है, सो ये फोकल न्यूरोलॉजिकल डिजीज या फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब ये है। फीवर 50% से ज्यादा लोगों में फीवर होगा, नॉजिया वॉमिटिंग होगी, सीजर्स अगेन क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, और पेपिलेडीमा यानी कि फंडोस्कोपी करोगे तो आई के अंदर आपको रेज प्रेशर नजर आएगा, और मेनिंजिस्मस अगेन नेक स्टिफनेस के साइंस, करने ब्रिडजिंस्की और करने साइन जो है। अच्छा, लैब में क्या नजर आएगा? आप उसकी लैब कराओगे, WBC थोड़े से इंक्रीज हुए नजर आएंगे, ESR सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन का साइन है। CT करा के देख सकते हो, MRI करा के देख सकते हो, आपको एब्सेस नजर आएंगे, एनकैप्सुलेटेड जैसे भी आपको पिक्चर्स दिखाएंगी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करना या लंबर पंक्चर करना, जैसे कि हमने मेनिंजाइटिस में देखा था कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें बड़ी अच्छी तरह से आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस का पता चल रहा है, लेकिन जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस आप करते हैं ब्रेन एब्सेस के अंदर तो उसका इतना ज्यादा खास फायदा नहीं होता क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये मेनिंजाइटिस है या ब्रेन एब्सेस है। ब्रेन एब्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो CT और MRI है ताकि उसके अंदर एनकैप्सुलेटेड एब्सेस नजर आए, क्योंकि CSF तो चलो अगर मिसाल के तौर पे आपने इतने सारे अभी कॉजेज पढ़े हैं इन्फेक्शन के जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, यही ऑर्गेनिज्म कई दफा मेनिंजाइटिस भी कर रहे होते हैं, और मेनिंजाइटिस का ही अगला हिस्सा जो है वो आपका ये है ब्रेन एब्सेस है, तो इसलिए CSF एनालिसिस करने से पता नहीं चलता कि ब्रेन एब्सेस है या नहीं, तो इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, देखना हमने इनमें वैसे वही चीजें करा के हम देख सकते हैं, हेल्प हो सकती है कॉज फिगर आउट करने में, लेकिन एब्सेस का डायग्नोसिस उस वक्त होगा जब आप उसे CT स्कैन और MRI ब्रेन में देखेंगे। अच्छा, अगेन ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक के बगैर कोई हल नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह के सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आप एस्पिरेशन करके देख सकते हैं, मतलब एस्पिरेशन का मतलब उस पस को किसी तरह से बाहर निकालें हल्का सा सर्जिकल प्रोसीजर करके, या फिर बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर करके एक्सियन करें। ठीक है, फायदा उसका ये होता है कि अगर ट्रॉमेटिक एब्सेस वगैरह हो, फंगल एब्सेस हो या गैस कंटेनिंग एब्सेस हो तो वो निकल जाती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैस भी बनाते हैं उस एब्सेस के अंदर, तो वो फिर ब्रेन एक्सियन में बड़ी अच्छी तरह से निकल जाती है। ठीक है, अच्छा फॉलो अप उसके बाद आपने करके क्या देखना है, जब एंटीबायोटिक थेरेपी हो रही है हर हफ्ते उसका CT करके देखो, फिर मंथली CT करके देखो कि वो खत्म हुई ब्रेन एब्सेस या नहीं।
दो तीन हफ्ते तक उसका साइज कम हो जाना चाहिए, 3-4 हफ्ते 3-4 महीने तक बिल्कुल खत्म होनी चाहिए होनी चाहिए, और 6 से 9 महीने बाद भी अगर आप सीटी करा के देखो तो उसका कोई भी जरा नामो निशान नहीं आना चाहिए। सीटी में जब फर्क देखते हैं चीजों के अंदर, तो एक चीज होती है एनहांसमेंट, वो जो उसकी डेंस एरिया होता है वो ज्यादा डेंस हो जाता है। या अगर कंट्रास्ट डाल के देखें आप, जो कि एक डाई होता है जिसके थ्रू जब आप उसके बाद उसका एक्सरे करेंगे, सीरीज ऑफ एक्सरे में देंगे तो ज्यादा बेहतर नजर आएंगी, तो वो उसमें कुछ नहीं नजर आता 9 महीने तक, तो फिर इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट सही हुई है। अच्छा, प्रोग्नोसिस क्या है, आउटकम क्या है? मॉर्टेलिटी डिपेंड करती है, यानी कि डेथ होगी कि नहीं इस चीज पर डिपेंड करता है कि एब्सेस कहीं फट के वेंट्रिकल में तो नहीं चली गई, पेशेंट की अपनी इम्यून सिस्टम कैसा है, एब्सेस की टाइप कैसी है, जब डायग्नोसिस हुआ उसको कितनी बड़ी एब्सेस थी, कितनी फैल चुकी थी, और ब्रेन हर्निएट करके जैसे अपनी जगह से हिला हुआ या नहीं हिला हुआ। लॉन्ग टर्म जो चीज रहती है, कई दफा फिट्स पड़ते रहते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो आपको बताए थे, फालेज वगैरह हो सकता है, स्पीच में मसले हो सकते हैं, सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कई दफा ये ठीक होने के बाद 5 से 10% लोगों में दोबारा भी आ सकती है, रिकर कर सकती है। ठीक है, इसकी रीजन क्या होती है कि एंटीबायोटिक सही तरह से नहीं दी, या एंटीबायोटिक की चॉइस ठीक नहीं की, या कोई बाहर से फॉरेन बॉडी है वहां पे जो बार बार इन्फेक्शन कॉज कर रही है, या आप सोर्स ऑफ एब्सेस यानी कि जो बैक्टीरिया था उसको आप निकाल नहीं सके। अच्छा, इसके बाद जो एक खास किस्म की डिजीज है वो है प्रायॉन डिजीजेस। प्रायॉन डिजीजेस में जी कुछ पूछा है किसी ने? ओके, प्रायॉन डिजीजेस, इसको स्लो वायरस डिजीज भी कहते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीज आते हैं। एक सबसे जो अहम डिजीज है CJD डिजीज, इसको क्राइफेल्ट याकोब डिजीज भी कहते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, क्राइफेल्ट याकोब। ठीक है, डिजीज ग्रेसमैन स्ट्रासलर शाइनेकर सिंड्रोम, GSS सिंड्रोम, फेटल फेमिलियल इंसोम्निया, बंदे को नींद ही नहीं आती और बगैर सोए डेथ हो जाती है। कुरु ह्यूमन वेराइटी जिसको कैनिबलिज्म भी कहते हैं, उसके बाद बंदा खाना शुरू कर देता है। स्क्रेपी, मिंक ट्रांसमिसिबल एंसेफलोपैथी, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफलोपैथी, मैड काउ डिजीज, ये सारे मुख्तलिफ डिजीज के नाम है जो प्रायॉन डिजीज कहलाते हैं या स्लो वायरस डिजीज कहलाते हैं। अच्छा, होता क्या है बेटा प्रायॉन डिजीज में? बेसिकली एक ना प्रोटीन पार्टिकल होता है इन्फेक्शन करने वाला, उसका ना तो DNA होता है ना RNA होता है, उसको आप गर्म भी करो तब वो मरता भी नहीं है, लंबा उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब बॉडी में जाने के फौरन बाद सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस करना शुरू कर देते, काफी देर बाद करता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है प्रायन प्रोटीन, इसको कहते हैं प्रायन प्रोटीन, ये एक्यूमुलेट होना शुरू होती है, डिमेंशिया के सिम्टम्स होना शुरू होते हैं, यानी चीजें भूलना शुरू हो जाता है और हायर ऑर्डर फंक्शन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। ब्रेन को आप देखोगे तो स्पॉन्जियो फॉर्म होगा, मतलब न्यूरो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स जो उनकी सपोर्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो चेंज हुए होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स बने होंगे, और अगर आप देखोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रे मैटर में उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट होंगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कोई नहीं होगी, अनलाइक द मेनिनजाइटिस एंड इंसेफलाइटिस। ठीक है, लेकिन ये जो छोटी छोटी सिस्ट जमा हो रही होंगी तो उसकी वजह से ऐसी शेप बन जाएगी कि जैसे स्पॉन्ज है कोई। ठीक है, छोटी छोटी सिस्ट जो हैं वो जमा हुई होंगी, तो स्पॉन्ज स्पॉन्ज की तरह की शेप बन जाएगी, और फिर इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है, ये डेडली होता है डिजीज, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, प्रायन प्रोटीन नॉर्मली इंसानों में मौजूद होती है, 208 अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर, और क्रोमोसोम नंबर 20 पे होती है। उसके अंदर एक इस तरह की चेंज हो कि वो जो है बॉडी में ज्यादा जमा होना शुरू हो जाए, तो उसको उसकी वजह से बीमारी होती है, प्रायन प्रोटीन एक्यूमुलेट होती है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, और वो इन मुख्तलिफ डिजीज में या इन मुख्तलिफ एनिमल्स के थ्रू जो ट्रांसमिट होते हैं डिजीजेस, उनके अंदर वो जमा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इंसिडेंस क्या है, बहुत बूढ़ा हो जाए जब 7वीं दिहाई में जाके इंसान की मिलियन में एक केस होता है। क्राइफेल्ड याकब की बात करें, कोई एपिडेमिक नहीं होती इसकी, ट्रांसमिशन होती है एक केस से दूसरे केस में, या फैमिली में चल रहा होता है, जीन्स प्रिडिस्पोज कर देती हैं, बहुत तेजी से डिमेंशिया होता है, ग्रे मैटर इफेक्ट होता है, सेरिबेलम इफेक्ट होता है, तो गेट इफेक्ट होना शुरू होती है, चलता नहीं बंदा सही तरह से, कोई ट्रीटमेंट नहीं अभी पता, बाकी प्रायन डिजीज की तरह से डेथ हो जाती है। ठीक है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, या आप दोबारा एक और स्लाइड देख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, और बस कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। रात के बस लेक्चर इतना सही है, जी
राजस्थानी नहीं अभी आ रहा है, सब्र तो करो, रुको जरा। डिजेनरेटिव डिजीज का एक छोटा सा पार्ट है वो मैंने करना है, तो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रहो। चले बेटा, डिजेनरेटिव डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं जो ऑटो इम्यून इलनेसेस की वजह से हो रहे हैं, जब तक जब एज फार एज वी आर कंसर्न अबाउट द डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम, तो कुछ डिजीजेस जो हैं वो ऑटो इम्यून रीजंस की वजह से हो रहे हैं या वैसे ही ओल्ड एज के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डीमायलिनेटेड डिजीजेस सबसे पहले देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, जो माइलिन शीथ है न्यूरॉन्स की जो तेजी से इम्पल्स ट्रांसमिट करती है, उस वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, माइलिन डिस्ट्रक्ट हो रही है लेकिन एक्सॉन बाकी जो है वो बचा हुआ है। वो किस तरह के नाम है उनके डिजीज के, वो दो तीन नाम है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक गियान-बारे सिंड्रोम। अगर आप इसको फ्रेंच में, ये फ्रेंच साइंटिस्ट से दो, अगर फ्रेंच नहीं बोलना चाहते तो गिलान बार्ट सिंड्रोम भी कह सकते हो, गिलान बार सिंड्रोम भी कह सकते हो, और जो है वो साइलेंट है। लेकिन अगर आप इसका असल बोलोगे तो गियान बागे सिंड्रोम, इस तरह करके उसकी प्रोनंसिएशन है। फिर एक्यूट डिसेमिनेटेड एनसेफलोमेलाइटिस, ठीक है, ये जो तीन बीमारियां हैं इनके अंदर माइलिन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, इसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस खवातीन में होने वाला, 20 से 40 साल की खवातीन में होने वाला सबसे कॉमन इलनेस है। इसका कॉज नहीं पता लेकिन मल्टीफैक्टोरियल है, क्योंकि इम्यून मीडिएटेड समझा जाता है इसको। तो जब एनवायरमेंट और जीन इंटरेक्शन होता है तो कुछ जीन्स जो है वो टर्न ऑन हो जाते हैं। तो वो जीन्स की जो टाइप्स हैं वो HLA हैप्लोटाइप्स हैं, A3B7DR2 एंड DW2। तो वायरसेस या ये जो इम्यून फैक्टर्स हैं या ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये इवेंचुअली कॉज करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होती है, बाकी पेरिफेरल नर्व्स में डीमाइलिनेशन नहीं होती। तो क्या होता है, ब्रेन के अंदर एक सेल्स होते हैं स्पेशल, उनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन चढ़ाए। जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर श्वान सेल्स होते हैं ना, श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन प्रोड्यूस करते हैं और न्यूरॉन्स के ऊपर लगाते हैं, इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अंदर है तो वहां के जो माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कई जगह डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो इरेगुलरली ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर, वेंट्रिकल्स के इर्द गिर्द के एरिया में ऐसे डीमाइलिनेटेड एरियाज मिलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है वो इन प्लाक्स के अंदर जो डीमाइलिनेटेड एरियाज हैं वहां पे वो चले जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स अगेन इम्यून मीडिएटेड रोल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिएक्टिव ग्लायोसिस होता है, यानी कि रिएक्टिव ग्लायोसिस का मतलब है क्या है, जो ग्लायल सेल्स होते हैं ना, ग्लायल सेल्स कहते हैं ब्रेन के वो सेल्स जो न्यूरॉन्स के अलावा सपोर्ट करते हैं ब्रेन को। उसके अंदर एपेंडिमल सेल्स आ जाते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आ जाते हैं, एक ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो आ जाते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे कि अभी एक मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दी है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेशन करते हैं, जो एपेंडिमल सेल्स है वो CSF बनाते हैं, और एस्ट्रोसाइट्स हैं वो वैसे हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में ऑफ द अदर न्यूरॉन्स। तो जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कम होना शुरू होते हैं तो बाकी सेल्स जो है वो ज्यादा होना शुरू होते हैं, जो हेल्पिंग सेल्स होते हैं उसको, उन सेल्स को इकट्ठा ग्लायल सेल्स कहते हैं। तो रिएक्टिव ग्लायोसिस का मतलब है कि वो सेल्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक भाई चला गया है, हम बाकी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान होता है। अच्छा, क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स क्या है बेटा, ये इस तरह का बीमारी है। एक तो डिपेंड करेगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है इसके अंदर। दूसरी, ये इस तरह की बीमारी है कि कभी ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी ठीक हो जाएगी, फिर ज्यादा होगी, फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है, फिर स्लोली स्लोली जो है मेंटल पावर जो है इंसान की वो थोड़ी थोड़ी रिटार्डेड होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो चीजें आमतौर पर नजर आना शुरू होती हैं वो वीक हो जाते हैं लोअर लिम्स। फिर अगर ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रही है, उसकी डीमाइलिनेशन हो रही है, तो VN में चेंजेस आएंगी, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी। और चूंकि ऑप्टिक नर्व बिल्कुल आई बॉल के पीछे होती है तो रेट्रो बल्बर पेन होगी, सेंसरी डिस्टर्बेंसेज होंगी, ठीक है, सेंसेशन में प्रॉब्लम हो गए, और ब्लैडर कंट्रोल का लॉस हो सकता है अगर स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर विजुअल चेंजेस है, बाकी चीजें ज्यादा हो या ना हो, क्योंकि अक्सर एसिम्टोमेटिक होता है, तो बाकी चीजें हो ना हो लेकिन VN में चेंजेस जरूर आती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व की डीमाइलिनेशन का सबसे पहले साइन सिम्टम नजर आना शुरू होता है। कभी कभार इसके अंदर एक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होता है जिसे कहते हैं शॉर्टकट ट्रायड।
उसके अंदर निस्टैग्मस होता है, मतलब आई बॉल की मूवमेंट होती है हल्की हल्की, ठीक है, इंटेंशन ट्रेमर होता है, कोई काम करने की कोशिश करो तो हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं, और स्कैनिंग स्पीच, स्पीच का एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसमें स्लो स्पीच होती है, ये तीनों चीजें इकट्ठी होती है तो उसको शार्कर ट्रायड कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको सोचना पड़ता है अगर किसी पेशेंट में ये है तो शायद उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये जो रेड में दो चीजें लिखी हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी साइन सिम्टम्स हो ना हो ये वाले जरूर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं बेटा? इसके अंदर आप सीएसएफ अगर इसका टैप करके देखोगे तो उसका एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर गामा ग्लोबुलिन ज्यादा होगी, ठीक है, और उस गामा ग्लोबुलिन के अंदर ओलिगो क्लोनल बैंड होते हैं। ये मुख्तलिफ जब आपकी एंटीबॉडीज को देखा जाता है, जब उनको आप मुख्तलिफ लैब टेस्ट के अंदर देखते हैं तो उसका कुछ हिस्सा होता है जो बैंड की फॉर्म में नजर आता है ऑन द टेस्ट, ठीक है, उसको ओलिगो क्लोनल बैंड कहते हैं। वो आमतौर पर ये शो कर रहे होते हैं कि कोई वायरस है या इम्यून रीजन है पीछे जो जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर गामा ग्लोबुलिन ज्यादा हुई हुई है और ओलिगो क्लोनल बैंड आ रहे हैं तो देर इज अ वायरल इम्यून रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। या आपको दिखाने की कोशिश की हुई है ये एरियाज हैं वेंट्रिकल्स के जहाँ पे डीमाइलिनेशन हुई हुई है, ठीक है, और वो आपको नजर आ रही है हल्की हल्की, अगेन डीमाइलिनेटेड एरियाज थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। क्या कॉज है? ऑटो इम्यून, फीमेल्स में ज्यादा, फैमिलीज में जाता है, हेयरिंग के विद द प्रॉब्लम्स, निस्टैग्मस, दो चीजें नजर आती हैं। अब वीएन प्रॉब्लम्स थे, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? डिप्लोपिया दो दो नजर आता है, ब्लरी वीएन होता है, डिसआर्थ्रिया बोलने में मसला, डिस्फेजिया समझने में मसला, 20s to 40s के अंदर मसला होना शुरू हो जाता है, स्टिक लेके चलना पड़ता है, पैरालिसिस हो सकता है लोअर लिम्स का, मसल जो है वो बहुत बहुत स्पाज्म में होते हैं, चलने में मसला होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा जो आपका अगर जेरेंटोयूरिनरी सिस्टम पे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए तो यूरिनरी टेंशन हो जाती है, ब्लैडर जो है वो, क्योंकि ब्लैडर के जो मसल्स हैं, ब्लैडर के अंदर भी मसल्स होते हैं, जब वो मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर यूरिनेशन नहीं होने देंगे, तो इस वजह से यूरिनरी टेंशन होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। अब दूसरी कॉज जो है डीमाइलिनेटिंग डिजीज की वो है एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफलोमेलाइटिस, ये होता है, इसको पोस्ट इन्फेक्शस एन्सेफलाइटिस भी कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन हुआ कहीं और का, अभी हमने एन्सेफलाइटिस किया था लास्ट, उसमें इन्फेक्शन हुआ कहीं और का, मीजल्स हुए, मम्स हुए, रुबेला, चिकन पॉक्स, लेकिन वो इस वायरस के बाद कुछ देर बाद ब्रेन पर इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। ये समझा जाता है कि दिस माइट बी ड्यू टू अ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि अ टाइप ऑफ इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म, ठीक है, या तो ये इंसान पूरा रिकवर कर जाता है लेकिन कई दफ़ा डेथ भी हो जाती है, और इसके अंदर भी वाइड स्प्रेड डीमाइलिनेशन होती है, माइलिन प्रोटीन माइलिन जो है वो ख़त्म हो जाती है न्यूरॉन्स के ऊपर से। जो गियान-बारे सिंड्रोम है ये भी डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये कि पेरिफेरल नर्व्स पे अटैक करता है, जो हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस किया था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स पे अटैक कर रहा था। इसकी सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स जवान लोगों में होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है इससे पहले या कोई इम्यून रिएक्शन होता है तो इसको भी ऑटो इम्यून इलनेसेस में समझा जाता है। इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है क्लिनिकल या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या साइन सिम्टम्स जो होते हैं उसमें असेंडिंग मसल वीकनेस और पैरालिसिस होता है। व्हाट इज असेंडिंग मसल वीकनेस? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, नर्वस सिस्टम में जब भी आपको मसल वीकनेस आएगा ना उसका मतलब होता है कि फालेज की तरफ जा रही है चीज़, ठीक है, मसल वीकनेस के बाद इवेंचुअली पैरालिसिस हो जाता है। मसल वीकनेस का मतलब ये है कि अपना आप मसल नहीं हिला पा रहे तो इवेंचुअली जा बात फालेज की तरफ रही होती है। अच्छा खैर, असेंडिंग का मतलब क्या है कि नीचे से शुरू होता है, टांगों से शुरू होती है वीकनेस और स्लोली स्लोली ऊपर थाइस में जाएगी, ऊपर बाकी बॉडी में आती चली जाएगी। सो इस तरह से असेंडिंग मसल वीकनेस होती है, लोअर पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब में फिर ऊपर जाती है। रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें जो डेथ होती है वो रेस्पिरेटरी फेलियर, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की नर्व्स उनके मसल्स रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने वाली नर्व्स जब इंपैक्ट होती हैं तो रेस्पिरेटरी मसल सही तरह से काम नहीं कर सकते, सांस नहीं आएगा तो बंदा बचेगा तो नहीं ना, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसकी वजह से डेथ होती है गियान-बारे सिंड्रोम में। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन होती है। इसका मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन होती है प्रोटीन, साइटोलॉजिक का मतलब सेल्स, तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि प्रोटीन कंसंट्रेशन और जो सेल्स हैं उनके बीच में जो रेशियो है वो सही नहीं रहती, प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो सेल है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते,
सेल काउंट, जैसे भी हमने सीएसएफ के अंदर पढ़ा था, प्रोटीन होती है, सेल्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं. सो जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन सेल काउंट इतना ज्यादा नहीं होता, उसको एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन कहते हैं. जो अगर आपको सीएसएफ में नजर आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि शायद इसको गियान-बागे सिंड्रोम हो रहा है. ठीक है, पॉसिबली ऑटोइम्यून, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के साथ इसका लिंक है. रेस्पिरेटरी, अच्छा इससे पहले जो वायरल इलनेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा वायरल, या इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होगा. इधर इट वुड बी जीआई इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. उसके बाद जो है ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है और वो फिर जाके नर्व्स को इन्वॉल्व करता है और इनकी डीमायलिनेशन शुरू कर देता है. ठीक है, कुछ घंटों से दिनों के अंदर अंदर मसला शुरू हो जाता है और हल्की हल्की मसल जो है वो एट्रोफी भी होना शुरू हो जाती है. लोअर लिम्स में शुरू होता है, दोनों लिम्स में शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है. वीकनेस होती है, चलने में मसला होता है और फिर पैरेस्थीसिया होता है, मतलब सेंसेशंस नहीं होती. फिर उसके बाद पैरालिसिस हो जाता है. ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर, बोलने के अंदर, क्योंकि फेरिंग्स के मसल्स, रेस्पिरेशन के मसल्स या उनकी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और बावल ब्लैडर फंक्शन इसमें भी इम्पैक्ट हो सकता है. अच्छा, इसके अलावा आपके पास आ गया डीजेनरेटिव डिजीजेस. डीजेनरेटिव डिजीजेस में हमारे पास वो डिजीज जो ओल्ड एज में होती हैं. अब मुख्तलिफ ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ डिजीज होती हैं. जो कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, उसमें अगर मसला हो तो डिमेंशियाज या अल्जाइमर डिजीज हो जाता है, जो भूलने की बीमारी है. अगर बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम में मसला हो तो पार्किंसंस डिजीज होता है. बेसल गैंग्लिया क्या होते हैं, ब्रेन के अंदर थैलेमस की दोनों साइड्स पे छोटे छोटे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं ग्रे मैटर की, जो कि आपका मोटर सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं, आपके बॉडी की मूवमेंट्स को, तो उन पे इम्पैक्ट होता है तो पार्किंसन डिजीज हो जाता है. फिर उसके अलावा स्पाइनोसेरिबेलर प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके अंदर अटैक्सिया हो जाता है. अटैक्सिया का मतलब चलने में मसले सेरिबेलम में जब होते हैं. मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर मसला हो तो फिर मसल एट्रोफी हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाय वन. पहले हमारे पास आ गया अल्जाइमर डिजीज. सबसे डिमेंशिया की ना 5-6 टाइप्स होती हैं. सबसे कॉमन जो टाइप है डिमेंशिया की वो अल्जाइमर डिजीज है. अल्जाइमर डिजीज 60 साल की एज पे शुरू होता है. अक्सर फैमिली 10% जो है इसका फैमिली इनहेरिटेंस होती है और 40 ईयर्स के आसपास जो है वो काम शुरू हो चुका होता है, लेकिन आगे जाके इसके सिम्टम नजर आते हैं. कॉज पता नहीं है. एक एमाइलॉइड जीन होता है, एमाइलॉइड जीन का जो एक्सप्रेशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसके अंदर म्यूटेशन होती है और इन लोगों में कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी होती है. जो एसिटाइल कोलीन, जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर है एक इंपॉर्टेंट, और उसको जो उसके बनाने में जो एक एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है. और एक और न्यूक्लियस बेजिलस होता है मेनर्ड का, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन होती है. दिस इज अ न्यूक्लियस इन द ब्रेन, अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. फाइंडिंग्स क्या होती हैं आपको, इसके साइन सिम्टम्स क्या नजर आते हैं. स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव होता है. इवेंचुअली इंटेलेक्चुअल जो आपकी कैपेसिटी है वो डिटीरियरेट होना शुरू हो जाती है स्लोली स्लोली स्लोली. पहले रिसेंट मेमोरी लॉस शुरू होता है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है, फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको पढ़ना लिखना भूलना सब कुछ भूलना शुरू हो जाता है. अपना ख्याल भी नहीं रख सकते आप. मोटर इलनेसेज होती हैं, आपके लेग्स वगैरह में चलने फिरने में मसले होते हैं, कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब स्टिफनेस होती है मुख्तलिफ जगहों पर, पैरालिसिस हो सकता है. और इसके अलावा ये जब होता है इवेंचुअली तो इसका मतलब है कि ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद आपकी डिजीज जो है वो डेथ की तरफ प्रोग्रेस कर रही है. अच्छा, हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोप के नीचे क्या नजर आता है, न्यूरोफिबुलरी टैंगल्स होते हैं. व्हाट आर न्यूरोफिबुलरी टैंगल्स, फिलामेंट्स के धागों, छोटे छोटे धागे टाइप, उनके बंडल्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. और थोड़े से वो बंडल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है इन अ सेल, उससे निकले होते हैं वो फिलामेंट्स. कुछ जो है वो नर्व्स के थ्रू निकले होते हैं. वो दोनों मिल के एक छोटे छोटे से ज़रात बनाते हैं, या वो दोनों जमा हो जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के अंदर. तो न्यूरोफिबुलरी टैंगल्स उन्हें कहते हैं. फिर न्यूरेटिक प्लाक्स होते हैं, सीनाइल प्लाक्स. सीनाइल मतलब ओल्ड एज. इसके अंदर क्या होता है कि एक नर्व सेल, रेडिश से नर्व सेल, उसकी स्वेलिंग हो जाती है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर उन सोलर नर्व सेल्स की मुख्तलिफ कलेक्शन बन जाती हैं, वो जमा हो जाते हैं, या वो हिप्पोकैम्पस में जमा हो जाते हैं या एमिग्डाला में जमा हो जाते हैं. ठीक है, उनके बीच में एक एमाइलॉइड कोर होता है, उसका अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि अच्छा ये जो चीज़ जमा हो रही है यहाँ पर नर्व सेल्स की कलेक्शन. एमाइलॉइड एक टाइप की प्रोटीन है, तो ये जब जहाँ पर जमा हो रहा है तो आप फिर बता सकते हैं कि अच्छा ये अल्जाइमर डिजीज लग रहा है. फिर उसके अलावा ग्लैरुलोवैस्कुलर डिजनरेशन है.
उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स सॉरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है वैक्यूल ज्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो हिप्पोकैम्पस के जो पिरामिडल सेल्स हैं उनके अंदर इस तरह के सेल्स वैक्यूल वाले ज्यादा इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, उसे ग्रैनुलो वैस्कुलर डिजनरेशन कहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ सकती हैं, याद रखिएगा कि किस एरिया में है और क्या है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पैथोलॉजी है। अल्जाइमर्स कंफर्म करने के लिए आपके पास डॉक्टर अगर उसकी ब्रेन बायोप्सी करता है तो आपको भेजेगा ये सारी की सारी की, देख के बताना है इसके अंदर नीलोफिब्रिलरी टैंगल्स वगैरह तो नहीं है, ग्रैनुलर वैस्कुलर डिजनरेशन तो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है, एमोइलाइड एंजियोपैथी और भी हम बाकी पढ़ रहे हैं। एमोइलाइड एंजियोपैथी मतलब जो वेसल्स हैं, एंजियो का मतलब होता है वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एमोइलाइड प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हैरानोबॉडीज वो क्या होती हैं, जो एक प्रोटीन होती है एक्टिन प्रोटीन, वो जमा होना शुरू हो जाती है डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो उनके अंदर जब वो जमा होना शुरू हो जाती है तो उसे आप हैरानोबॉडीज कहते हैं, वो रेडिश रेडिश की नजर आती है। इयोसिनोफिलिक का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप के नीचे वो रेडिश नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप ब्रेन देखें तो उसकी एट्रोफी सी नजर आती है और कुछ न्यूरॉन्स का लॉस नजर आता है। फ्रंटल और हिप्पोकैम्पल एरिया में सबसे ज्यादा आपको ब्रेन छोटा हुआ नजर आएगा, फ्रंटल और हिप्पोकैम्पल एरिया में। और उसके अलावा जो सल्काई और जायराई हैं, यानी कि जो फोल्ड होते हैं ब्रेन के, जो फोल्ड है जो डेप्थ है उसकी वो थोड़ी वाइड हो जाएगी और जो फोल्ड इटसेल्फ है वो छोटा होगा। डेप्थ सल्काई, देखो जो ब्रेन एट्रोफी होती है ना वो पता कैसे चलती है, वो ब्रेन एट्रोफी नजर इस तरह से आती है कि जो इनके फोल्ड हैं ब्रेन के, आई हैव टू शो यू एक सेकेंड, जो ब्रेन के फोल्ड हैं ठीक है, ये यू 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 फोल्ड है ना, तो ये जो जहाँ पे डेप्थ है ये सल्कस है, ऊपर जायरस है, तो सल्काई और गायराई है ये डेप्थ ज्यादा होगी, ये फूल जाएगी डेप्थ, और जो गायराई है वो छोटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है सल्काई बड़े हो जाएंगे और गायराई जो है वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो सल्काई वाइडन हो जाएंगे और गायराई जो है वो नैरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नजर आता है, अच्छा अब ये चीजें आपको जो चेंजेस है ना ये आपको एजिंग में वैसे भी नजर आती हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर जिसके अंदर आपको ये चेंजेस नजर आ रही है उसको जरूर अल्जाइमर हो, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों में भी ये नजर आता है, डाउन सिंड्रोम वाले लोग जो 40 की एज तक जिंदा रहते हैं उनके अंदर भी नजर आता है, कुछ पार्किंसनिज्म वाले डिजीज है उसके अंदर भी न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स नजर आते हैं। तो इसके अलावा आपको बाकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स भी पता होने चाहिए प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए। 5 A's हैं अल्जाइमर डिजीज के, एमनीजिया यानी कि मेमोरी लॉस, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम कौन है, एनोमिया, एनोमिया का मतलब है कि नाम भूल जाता है चीजों का, एप्रेक्सिया क्योंकि चीजों का गलत इस्तेमाल होता है, फोन पकड़ के बंदा जो है वो पेन समझ के उसे लिखना शुरू कर देगा क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, एग्नोजिया, एग्नोजिया होता है कि जो फेमिलियर चीजें हैं या साउंड्स हैं या टेस्ट हैं या बाकी सेंसेशन है वो बंदे को भूल जाती है कि ये क्या थी, एफेजिया का मतलब सही तरह से बंदा बोल नहीं सकता जो वर्ड जिसने बोलने हैं, ठीक है। ये 5 A's हैं अल्जाइमर्स के डायग्नोसिस के लिए। तो खाली लैब चेंजेस नहीं आपको बताएंगी बल्कि सारी पिक्चर देखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो कॉमन कॉज डिमेंशिया का है, यानी कि भूलने की जो बीमारियां हैं उसका सबसे कॉमन कॉज अल्जाइमर है। कॉर्टिकल एट्रोफी होती है, यानी जो कॉर्टेक्स है वो छोटा हो जाता है, न्यूरोटिक प्लेक्स अभी आपको बताए हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स भी बताएं, और एमाइलाइड प्रोटीन, बीटा एमाइलाइड प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बेजल गैंग्लिया की डिजेनरेटिव डिजीज की बात करें तो पार्किंसनिज्म डिजीज आ जाता है, पार्किंसनिज्म भी आता है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी भी होती है, और हंटिंगटन डिजीज, ये तीन बीमारियां हैं जो बेजल गैंग्लिया की बीमारियां हैं। हंटिंगटन डिजीज किस तरह का डिसऑर्डर है बेटा, ये मसल कोऑर्डिनेशन के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ छोटा स्लोली स्लोली जो जहनी आपका जो सोच का लेवल है वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, आप सही तरह से सोच नहीं सकते और बिहेवियरल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है जो डायग्नोसिस में हेल्प करती है वो है हंटिंगटन्स कोरिया। कोरिया क्या होता है, एबनॉर्मल झटके वाली मूवमेंट्स, आप बाजू ऐसे साइड से लेके आओगे एकदम से झटके लग रहे होंगे, नॉर्मली वापस आते हैं, वो जो नॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं दे आर नोन एज कोरिया मूवमेंट्स या कोरियाइड मूवमेंट्स, और वो हंटिंगटन्स डिजीज में होती हैं, मसल कोऑर्डिनेशन में मसला हो रहा होता है, सो उसे हंटिंगटन्स कोरिया कहते हैं, ठीक है। हंटिंगटन्स डिजीज में आपको वेंट्रिकल्स थोड़े एनलार्ज नजर आ रहे हैं,
सेरेब्रल टिश्यू, ये यहाँ पे साइड पे बेसल गैंगलिया होता है, ये नॉर्मल बेसल गैंगलियल सेल्स है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये छोटा हो गया है क्योंकि उसकी एट्रोफी हो जाती है, वो इम्पैक्ट होना शुरू होता है हंटिंगटन डिजीज में। ठीक है, ये कॉर्डेट और पुटेमेन और ग्लोबस पैलिडस जो है ये बेसिकली बेसल गैंग्लिया के मुख्तलिफ न्यूक्लिया के नाम है। तो वो जब छोटे होना शुरू हो जाते हैं, कॉर्डेट, न्यूक्लियस, पुटेमेन, ग्लोबस पैलिडस, तो वो आपको नजर आता है हंटिंगटन डिजीज में, वो छोटे होते नजर आते हैं। कम छोटे होंगे तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, ज्यादा छोटे होंगे तो और ज्यादा बुरे सिम्टम्स होंगे। सो हंटिंगटन में और अल्जाइमर्स में क्या फर्क है? हंटिंगटन डिजीज जो है वो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर वो ये है कि न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो हंटिंगटन्स में बंदा स्टोर कर सकता है, अल्जाइमर्स में नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें जो स्पीच होती है वो स्लो होती है लेकिन एक्यूरेट होती है, अल्जाइमर्स में स्पीच इम्पैक्ट होती है बहुत बुरी तरह से। ठीक है, और जो रिकॉल है, मेमोरी रिकॉल, वो इम्पेयर होता है, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको कुछ अल्फाज बताओ, जैसे बंदा कई दफा कोई लफ्ज यूज करते हुए भूल जाता है, आप उसे धक्का लगाते हो, जैसे कि अक्सर तुम लोगों के साथ वायवाज में होता है, तो वो धक्के लगने से चल पड़ता है। लेकिन जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसको धक्का भी लगाओगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, मोटर मेमोरी जो है उसमें कोई नई चीज या कोई नया स्किल नहीं सीख सकता, लेकिन जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसके अंदर नया स्किल या नया मोटर चीज जो है वो सीख सकता है, जो जिसमें उसके मसल्स इन्वॉल्व हो। पार्किंसन डिजीज जो है वो एक सिंड्रोम है, एक खाली डिजीज नहीं है। इसके अंदर आपको पता है पॉस्चर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन पे इम्पैक्ट होता है, जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, गेट शॉर्ट और फास्ट होती है, जिसे फैस्टिनेटिंग गेट कहते हैं, और कॉगवील रिजिडिटी होती है, यानी अगर आप हाथ अपना एल्बो अगर अपनी फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो हल्की 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 स्लो कॉगवील की तरह स्लो 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 बेंड होगी। और ट्रेमर जो है वो पिल रोलिंग होता है, ऐसे जैसे आप हाथ में कोई गोल सी पिल बना रहे हो और उस तरह से उंगलियां जो है दूसरे के ऊपर उनके अंदर जो है वो ट्रेमर होता रहता है, मतलब वो हल्का हल्का झटका लगता रहता है उनको। कॉज क्या होता है बेटा? कॉर्पस स्ट्राइटम, ब्रेन का वो हिस्सा जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को मिला रहा हो, उसके अंदर डोपामीन जो न्यूरो जो ट्रांसमीटर है वो कम हो जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, फिर कॉग्निटरी इंटेंशन ट्रेमर, हेलुसिनेशंस भी होती है, डिमेंशिया भी होता है। और अगर आप इसको एल डोपा एक ड्रग है वो दो, तो जो डोपामीन कम हुई होती है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है वापस, तो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन 100% कई दफा ठीक नहीं होता। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रेन में दो जगह हैं, लोकस रिलियस एंड सब्सटेंशिया निग्रा, जिनका काम रिवॉर्ड मैकेनिज्म में इनका काम है, और इनका काम होता है इन कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। तो उनके अंदर वो कलर्ड होते हैं, ब्लैकिश से ब्लूइश से कलर, ग्रेश कलर होता है, वो उसका कलर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ल्यूई बॉडीज नजर आती हैं आपको सेल्स के अंदर, वो क्या होती है? अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन होती है जो जमा होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिश स्पॉट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, उन्हें ल्यूई बॉडीज कहते हैं, वो अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो पार्किंसंस डिजीज क्या होता है? स्लो प्रोग्रेसिव इलनेस है, 50 साल के बाद शुरू होगी, ब्लैंक फेस होगा, कोई इस पे इमोशंस वगैरह नजर नहीं आ सकेंगे क्योंकि फेस के मसल्स इंपैक्ट होते हैं, पॉस्चर जो है वो थोड़ा सा स्टूप होगा, आगे को झुका हुआ होगा, पिल रोलिंग ट्रेमर होगा, रोल करी जाएगा उंगलियां अपनी। ठीक है, शफलिंग गेट होगी, और इसके अलावा मसल रिजिडिटी, कॉग व्हील, जर्की मूवमेंट्स, कभी कभार मेंटल ड्यूरेशन भी हो सकती है, ब्रैडीकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, आईलिड स्लो ब्लिंक करेगा, चलते हुए जो बाजू हिलते होते हैं लोगों के साइड पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलना शुरू करना मुश्किल होगा। ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी इसके अंदर। सो दैट इज इट, अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लीजिए। अदरवाइज वी आर डन। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है या नहीं है? नहीं है, नो सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर तैयारी करो आप अपने मिड्स की, और होपफुली इसके बाद इंशाल्लाह एक लेक्चर और है, और उसके बाद वी विल एंड आर पैथोलॉजी।
सर मिड्स के बाद आप रिवीजन कराएंगे हमें वैसे? मिड्स के बाद क्या कह रहे हो सर? रिवीजन करवाएंगे क्योंकि लेक्चर्स तो एंड हो गए हमारे सारे। आई हैव नो आईडिया, देखूंगा तुम्हारी मिड्स में क्या प्रोग्रेस है उसके बाद सोचूंगा। रिवीजन करवाऊंगा भी तो वो मतलब Zoom पे कोई क्लास क्लास रख लूंगा एक आध, उसमें बता दूंगा। इसके अलावा तो और तो कोई खास नहीं होगी रिवीजन, बट वी विल सी क्या होता है। आई विल वेट फॉर योर रिजल्ट्स इन द मिड्स। चलें ठीक है बेटा, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।